क्या आप जानते हैं कुकबी कौन थी? नहीं तो चलिए देखिए वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज ये वीडियो होने वाली है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर। लेट्स सी, मैं कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछूंगी और देखते हैं कितना रिप्लाई कर पाते हैं, ठीक है? कितना आंसर दे पाते हैं मेरी क्वेश्चंस का। आर यू रेडी बच्चों? यस मामा। ओके सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए, लेट्स सी। इट्स सो फनी। ओके तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है तुम दोनों से, टोर्टोइस और टर्टल में क्या डिफरेंस है? टोर्टोइस ज्यादा लैंड पर रहता है और टर्टल वाटर में ज्यादा रहता है। मैं कहती हूँ टर्टल ज्यादा बाहर रहता है, लैंड पे रहता है, और टोर्टोइस ज्यादातर अपना टाइम पानी में बिताता है। नहीं, अपोजिट है, इज राइट। टर्टल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन लैंड और टर्टल क्या करता है? स्पेंड टाइम इन वॉटर, अधिकतर टाइम वो वॉटर में रहता है। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण जो था, रावण उसके सिस्टर का क्या नाम है? सुरपंखा। हाँ सुरपंखा। ओके तो सुरपंखा की नाक किसने काटी थी? श्री राम। नहीं, श्री लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी ने काटी थी सोना। ओके तो रावण की सिस्टर का नाम है सुरपंखा और उनकी नाक किसने काटी थी? लक्ष्मण जी ने। ठीक, नाइस। अच्छा चलो ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ, भगवान शिव के फैमिली में कौन कौन है? शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक जी। अच्छा मैं बता दूं कि अशोक सुंदरी जो थी वो शिव जी की पुत्री थी, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है अभी कि शिव परिवार में नॉर्मली गणेश जी और कार्तिकेय और माता पार्वती ही आते हैं शिव जी के साथ, लेकिन उनकी एक पुत्री थी अशोक सुंदरी जिनका विवाह किसी राजा किसी राजा के मतलब पुत्र से हुआ था। आयु राजा थे। हाँ। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एंगर? गुस्सा क्या होता है? हाँ गुस्सा एक चीज होती है जो हमें अपने फ्रेंड से अलग कर देती है, और जब हमें जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें बुरा करने का मन करता है। और वो देखो जब हम गुस्सा करते हैं तो हम नाराज हो जाते हैं बाद में, और फिर बाद में बहुत देर बाद हैप्पी होते हैं। अच्छा ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंगर? क्या होता है गुस्सा? चलो मैं ही बता लेती हूँ। गुस्सा एक एंगर एक फीलिंग होती है जो सबसे पहले हमारे माइंड को अपसेट करती है, ठीक है? वो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा खुद का ही करती है, समझ गए? ओके बच्चों, तो गुस्सा कभी नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे गुरु और शिष्य की जोड़ी का नाम बताओ जो हिस्ट्री में बहुत फेमस रही है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं बताए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रोज रात को मेरे से एक ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की स्टोरी सुनते हैं। हाँ। तो उसमें मैंने या तो हिस्ट्री सुनाती हूँ या फिर कुछ ऐसे ही भगवान जी के बारे में या कुछ स्पिरिचुअल या कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर देती हूँ जिससे इन्हें इतनी नॉलेज हो रखी है। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो वो पेयर है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, पर इसमें एक बात समझने की है कि चाणक्य जितने अच्छे गुरु थे उतने अच्छा ही शिष्य कौन था? चंद्रगुप्त। अगर गुरु ने कुछ भी कहा तो चंद्रगुप्त ने आंख बंद करके माना, और केवल माना ही नहीं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया, ठीक है? जैसे मैं तुम्हें कुछ कहूँ पढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए तो तुम ये मानो कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छे के लिए ही करते हैं, सो चिल्ड्रन यू शुड फॉलो योर पेरेंट्स। ओके ओके अभी बहुत लेक्चर हो गया है, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा चलो ये बताओ, भगवान श्री राम की कितनी सिस्टर्स थी? मुझे लगता है एक थी, सिर्फ एक। मुझे नहीं पता, नहीं पता, मुझे लगता है। चलो मैं बता देती हूँ, भगवान श्री राम की दो सिस्टर्स थी,
एक थी शांता और एक थी कुकबी। शांता का विवाह जो हुआ था वो एक ऋषि के साथ हुआ था, ठीक है, जिन्होंने आगे चल के हवन किया था, वो यज्ञ किए थे, ठीक है। और एक थी कुकबी जिनको इन्होंने किसी दूसरे राज्य में गोद दे दिया था, एक राजा को, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो कुकबी वहां की राजकुमारी बनी थी आगे चल के। लेकिन उनकी दो बहन थी, शांता और कुकबी। कैसा लगा? बहुत अच्छी नॉलेज है। अच्छा ठीक है, चलो इसका रेफरेंस मैंने लिया है कहीं से, ठीक है। ओके, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विद्या और शिक्षा में क्या डिफरेंस है। पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ क्या है। एक होती है विद्या, एक होती है शिक्षा। वैसे तो हम ये मानते हैं कि दोनों का सेम ही मीनिंग होता है ना, स्टडी, लेकिन नहीं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो अभी तुम बताओ, तुम इस बारे में क्या जानते हो कि शिक्षा और विद्या में क्या डिफरेंस है? शिक्षा और विद्या में ये डिफरेंस है कि शिक्षा वो होती है कि मैथ सब्जेक्ट, और विद्या वो होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल, शिक्षा वो होती है जो हमें करना होता है, जो हमें करना चाहिए यूआई में लेकर, फॉर एग्जाम्पल महाभारत। ओके ठीक है, रुकते हैं, अभी हम शिक्षा से पूछ रहे हैं, दीक्षा बताओ। शिक्षा मैथ्स हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल के, और विद्या, विद्या वो होती है जो जैसे महाभारत और पुराण और रामायण और वो सब। ठीक है, चलो मैं इलैबोरेट कर देती हूँ। तो शिक्षा और विद्या में क्या डिफरेंस है? हमारे जो पहले जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे उसमें दो तरीके के विद्यार्थी एडमिशन लिया करते थे, स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसमें शिक्षा होती थी, उन्हें शिक्षार्थी कहा जाता था। शिक्षा में क्या सिखाया जाता था? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जूलॉजी, जो भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते थे वो सब सिखाए जाते थे, जो कि तुम लोग सीखते हो, ठीक है, तुम्हें सिखाए जाते हैं। लेकिन विद्या में क्या सिखाते थे? धर्म की बातें, जितने भी हमारे पुराण है, वेद है, ठीक है, शास्त्र थे, और तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या होती है, वो सारे जितने भी धर्म से रिलेटेड होते थे, ठीक है, उन सबको विद्या कहा जाता था, जो बच्चे सीखते थे वहां जाके। तो जैसे आजकल के भी गुरुकुल हैं तो उसमें वो क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ द स्टडी नहीं है, लेकिन वो सिखाते हैं अलग से, तो उसे कहा जाता है विद्या। और जो तुम लोग लेते हो, आजकल सभी ले रहे हैं, उन्हें कहते हैं शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा और विद्या में ये डिफरेंस होता है गाइस। तो मतलब मैं सही थी, और थोड़ा थोड़ा, ठीक है गाइस। ओके प्यारे बच्चों, तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे और इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ऑल्सो फॉलो इन आवर इंस्टाग्राम, और हमारे चैनल को तो जरूरी विजिट करना। यस, और ये हमारी सीरीज अब स्टार्ट हुई है, ये हमारा एपिसोड 1 है, ठीक है। तो आगे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करने वाली हूँ। इस तरीके के काफी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मेरे पास हैं, और उनके साथ उनकी बैक स्टोरीज भी हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगे, ठीक है। सो गुड बाय, टेक केयर, बाय।